तो इंस्टाग्राम का पासवर्ड जो है मैं रीसेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना इंस्टाग्राम को जो है ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। हम जैसे ही ओपन करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आ जाता है। जैसे ही इंस्टाग्राम ओपन करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, जो ये गेट हेल्प विथ साइन इन आता है इसमें जो हमें क्लिक कर देना है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ जो कहा जाएगा कि यूजर नेम, ईमेल या तो फिर फ़ोन नंबर से उसको हम जो लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना जो है फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। चलिए मैं यहाँ अपना जो यूज़र नेम डाल देता हूँ, भाग्यराज विशा। इसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। मैं जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा मेरे सामने जो है मेरा जो मोबाइल नंबर होगा उसमें मुझे एक मैसेज भेजेगा जिसके द्वारा मैं अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकता हूँ। तो चलिए वो पहले मैं SMS आपको जो है खोल के बता देता हूँ। देख सकते हैं मुझे मैसेज जो है आ चुका है। ये मेरा नंबर जो है दूसरे फ़ोन में जो मैं शूट कर रहा हूँ इस वाले फ़ोन में है, इसलिए मैंने उस फ़ोन से मैंने अपना मैसेज जो इस फ़ोन में जो ट्रांसफ़र किया था। चलिए मैं इस पर जो है क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है खुल के आ जाएगा। हम यहाँ जो दूसरे वाले में जाने, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने आ चुका है कि री एंटर पासपोर्ट, यानी हमें जो है वो यहाँ अपना नया पासपोर्ट जो है टाइप कर देना था। चलिए मैं यहाँ जो नया पासपोर्ट टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ अपना नया पासपोर्ट जो है टाइप कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ जो है ओके कर देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर ओके करूँगा मेरा पासपोर्ट जो है सेव हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा पासपोर्ट जो है सेव हो चुका है। मैं इसको अभी नोट नाउ पर क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हो मेरा अकाउंट जो है खुल के आ चुका है। मैं फिर से एक बार उसको जो है लॉग आउट करके आपको जो है वो बता देता हूँ कि मैंने जो है अपने पासपोर्ट को जो है वो चेंज कर दिया। मैं चलिए इसको जो है यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपना मेरा यूज़र नेम तो आ ही चुका हूँ, मैं अपने अपना जो है पासपोर्ट जो है डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना जो है पासपोर्ट डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर लॉगिन करूँगा आप देख सकते हो मेरा जो है वो अकाउंट खुल के आ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अगर आपने जो है वो इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल जाते हो तो कुछ इस तरह से अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।